आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ मोहम्मद कौसेन का एक अफसाना, उन्वान है बच्चलन। आइए सुनिए अफसाना बच्चलन। अगर तुम मर ही जाते तो आज कम से कम सुकून तो रहता कि कोई काम करने वाला नहीं है, भीख मांग लेते। पर तेरे होते हुए तो कोई भीख भी नहीं देता। कहते हैं कि इसका तो हट्टा कट्टा शौहर जिंदा है, इन बच्चों को संभालूं, लोगों के घरों में बर्तन मांझूं, या जिनसे उधार लिया है उनकी गालियां और गंदी नजरें बर्दाश्त करूं। हमेशा की तरह वो रो पीट रही थी और उसका शौहर आराम से बीड़ी फूंक रहा था। उस पर बीवी की बातों का कोई असर ही नहीं होता था। शायद अब उसे ऐसे ताने सुनने की आदत हो गई थी। अरे जब बेटा इतना निकम्मा नाकारा था तो इसकी शादी क्यों की? क्या शौक चढ़ा था वैसे निठल्ले के सर पर सहरा सजाने का? राशिद पर अपनी बातों का असर होता ना देख रुखसाना ने दांत भींच भींच कर सास की तरफ गोले दागने शुरू कर दिया। पर उसकी सास ताहिरा बेगम एक नेक और समझदार खातून थी, हमेशा की तरह शर्म से गर्दन झुकाकर चुप रही। पूरा घर राशिद के निकम्मेपन और आवारागर्दी से परेशान था। बूढ़ा बाप दिन रात बिजली के कारखाने में काम करता और जवान बेटा सड़कों पर आवारागर्दी। छोटा परिवार था इसलिए दो वक्त की रोटी नसीब हो रही थी, वरना ऐसे महंगाई के ज़माने में कहाँ गुजारा होता है। दो बहन भाई और माँ बाप, चार लोग थे परिवार में। जमील मियाँ ने काफ़ी कोशिश की कि बेटा कुछ पढ़ लिख जाए, पर अकेला होने की वजह से घर पर मिले ज़्यादा लाड प्यार और उसकी आवारा सोहबत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। घर से स्कूल का कहकर निकलता और सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ बटर गश्ती करता, यहाँ वहाँ घूमता। सारा दिन बाप सारा दिन ड्यूटी पर रहता, डर किसी का नहीं था, इसलिए दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। गली मोहल्ले से रोज़ शिकायतें आने लगी, कभी किसी के साथ मारपीट और कभी किसी के साथ गाली गलौज। रोज़ रोज़ शिकायतों से तंग आकर जब बाप ने डांट पिलाई कि राशिद देख, या तो आवारागर्दी छोड़ दे वरना कहीं का नहीं छोड़ेगी ये तुझे, पढ़ाई पर ध्यान लगा, तो तिड़क कर बोला मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती, मुझे काम करना है। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो तेरे काम आएगा, और आजकल हर काम में पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, माँ ने भी प्यार से समझाया, पर पत्थर दिमाग पर झोंकना लगी। थक हार कर जुम्मन चाचा की फर्नीचर की दुकान पर ये सोचकर छोड़ दिया कि पढ़ा नहीं है, कम से कम दस्तकारी बन जाएगा तो ज़िंदगी में भूखो नहीं मरेगा। पर आवारा तबीयत राशिद यहाँ भी नहीं टिक सका। दो तीन महीने काम करके जुम्मन चाचा को भी टाटा बाय बाय कह दिया। बूढ़े बाप ने जैसे तैसे करके बेटी के हाथ तो पीले कर दिए, पर नालायक बेटे को लाइन पर ना ला सके। आस पड़ोस यार रिश्तेदार सब ने ही सलाह दी, शादी कर दो, खूटे से बंधेगा तो खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगा। बूढ़े कंधों ने सोचा ठीक है, शादी तो करनी ही है, हो सकता है कि दुल्हन का मुंह देखकर कुछ अकल आ जाए। और इस तरह रुखसाना दुल्हन बनकर इस आवारा के पल्ले बांध दी। नई दुल्हन घर में आई तो खर्च बढ़ गए। कुछ दिनों तो सब ठीक चला, पर बूढ़ी कमाई जवान बहू के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहू के ताने सास के कानों तक जाने लगे। घर के बिगड़ते हालात को देखकर माँ ने बेटे को खूब समझाया, देख अब कुछ काम धंधा शुरू कर दे, अरे मजदूरी करने लग जा, बहू भी आ गई है, कब तक तेरे बाबू अकेले पूरे घर का खर्च उठाते रहेंगे, अब बहुत हुआ, संभल जा बेटा। पता नहीं माँ की नसीहत का असर था या बीवी के खर्चों का, अकल में कुछ बात आई और मजदूरी करने लगा।
पर वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, राशिद पर एकदम मौजूद थी। अब काम तो करता, अगर दो दिन काम करता तो 3 दिन पढ़कर खाता। ऊपर से हर साल बढ़ते परिवार से हालात और ख़राब हो गए। बहू हर वक्त सास को ताने देती, पर ताहिरा बेगम अपनी किस्मत समझकर चुप रहती। वैसे भी माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। समझा समझा कर थक गए, पर राशिद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक बाप का साया सर पर था, घर की गाड़ी किसी तरह चलती रही, पर उनके इंतकाल के बाद हालात बद से बदतर होते गए। कभी कभी तो फाकों की नौबत आ जाती, रोज़ रोज़ के झगड़े बढ़ने लगे। रुखसाना सास को कोसती, मायके जाने की धमकी देती, बेटा अपने निकम्मेपन से बाज नहीं आता, और इन दोनों के बीच में बूढ़ी ताहिरा बेगम घुन की तरह पिस रही थी। ऊपर से भूखे पोता पोती अपनी भूख तो कैसे भी दबा लेती, पर दादी से बच्चों की भूख देखी ना जाती, और वो बच्चों की भूख मिटाने के लिए आस पड़ोस से कर्ज लेती रहती। कर्ज काफ़ी हो गया जो वो वक्त पर चुका ना सकी, और कर्जदार अब रोज़ आकर खरी खोटी सुनाने लगे। बूढ़ी आँखें शर्म से झुकाकर उनसे ना जाने किस उम्मीद पर कल परसों के वादे कर लेती, और हर बार वादा खिलाफी पर नई जलालत और नए वादे, पर नालायक बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। घर के आंगन में हमेशा ठंडा पड़ा रहने वाला चूल्हा आग से दहकने लगा। पहले हर वक्त भूख से रोने बिलखने वाले बच्चे अब अपनी मस्ती में खेलते रहते। रुखसाना के चीखने चिल्लाने की जगह अब निकम्मे नाकारा राशिद की गंदी गंदी गालियों की आवाज़ आने लगी। तू बच्चलन है, तू बाजारू औरत है रुखसाना। और रुखसाना आराम से घर के कामों में लगी रहती, उस पर शौहर की बातों का कोई असर नहीं होता। कर्जदारों की गंदी गालियां अब मुस्कुराहटों में बदल गई थी। बस एक चीज़ अब भी नहीं बदली थी, और वो थी बूढ़ी ताहिरा बेगम की शर्म से झुकी गर्दन।